प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित जानकारी दी जा रही है। हास्य रस की परिभाषा, इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। यह सबके जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अन्य शब्दों में, जब किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है या हंसना आता है, उसे ही हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य एक ऐसी पूंजी है जो हंसने वाले को तो स्वस्थ बनाती है। इनके कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं। उदाहरण नंबर एक, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथ रसी द्वारा रचित। उदाहरण नंबर दो, जहां न सोचा था कभी वही दिया दिल को, जौ मंदिर के द्वार से जूता चोरी होए, जौ मंदिर के द्वार से जूता चोरी होए। उदाहरण नंबर 3, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। उदाहरण नंबर 4, ठंडा बिल्कुल व्यर्थ है जैसे ठंडा सूप, ठंडा बिल्कुल व्यर्थ है जैसे ठंडा सूप, जुबा जले उबला पिए, जुबा जले उबला पिए, ऐसा तेरा रूप, ऐसा तेरा रूप। उदाहरण नंबर 5, फल गुड़ मेवा दूध घी गए गटक भगवान, फौरन पत्थर हो गए मागा जब वरदान, सिक्के यूं मत फेंकिए प्रभु पर है जजमान, 100 का नोट चढ़ाइए तब होगा कल्याण, 100 का नोट चढ़ाइए तब होगा कल्याण। अगला उदाहरण, चीटे न चाटते मुँह से न सूंघते बांस में माछी नया वतन रे, चीटे न चाटते मुँह से न सूंघते बांस में माछी नया वतन रे,
आन धरे जब से घर में तब से रह है जा परोसी न घेरे माटू हमें माटी हमें कुछ स्वाद मिले इन खात से दूधत हर बहेरे चौक परो पितु लोक में वापस आपक देख सराधक पेरे चौकी परो पितु लोक में वापस आपक देख सराधक पेरे। अगला उदाहरण कि बिंधक वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे बिंधक वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे कि गौतम तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि बिंद सुखारे वे हसीला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक जो जो कृपा करि कानन को पग उधारे किन्हीं भली रघुनायक जो जो कृपा करि कानन को पग उधारे। अंतिम उदाहरण हाथी जैसा देह गणे जैसी चाल तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।